नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सॉरी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो, हाय, एम आई ऑडिबल? Let's wait for few minutes. Some others are joining. Then we start our session. Hi. Hello. Myself, Darshita. As a profession, I am a food blogger, founder of Gujaratirecipes.in. आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो चॉकलेट स्ट्रॉबेरी कप है। सबसे पहले मैं अमूल को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। उसने बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है मुझे। थैंक यू वेरी मच एंटायर अमूल टीम, यू गिव मी अ गुड अपॉर्चुनिटी। हाय, आज के जो हमारा डेजर्ट टाइप में है वो बहुत ही इजी है और किड्स को बहुत ही पसंद आता है। वैसे सबको पसंद आता है, पर ये मैंने फ्रूट्स और चॉकलेट के कॉम्बिनेशन किया है तो बहुत ही अच्छा है और हेल्दी भी है। और अमूल की चॉकलेट्स है वो जो दांत में हमारे चिपकती भी नहीं। और एक्चुअली मैंने ये कैमल मिल्क में बनाया है। कैमल मिल्क की जो चॉकलेट आती है उससे मैंने बनाया है। ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी भी है और ये बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। हेलो निधि जी, हेलो दीप्ति, हेलो हनीफ जी, गुड मॉर्निंग, हेलो प्रतिभा मैम। चलो मैं हम अपना इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। ये मैंने जो अमूल की ये डार्क चॉकलेट आती है फ्रूट एंड नट वाली और कोको वाली, वो दोनों थोड़ी थोड़ी मिक्स कर दी है। और एक्चुअली मैंने ये कप बना के रख दिए है, वो मैंने कैमल मिल्क में बनाया है, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये मैंने 3/4 कप ऑफ स्ट्रॉबेरी ली है, उसको मैंने कट कर दी है। ये शुगर लिया है, ये पिस्ताचियो है, ये सम स्ट्रॉबेरी की स्लाइस कर दी है मैंने। और ये मैंने चीज़ स्प्रेड लिया है, अमूल का जो आता है वो। ये मैंने मिठाई मेड लिया है और ये फ्रेश क्रीम लिया है। वो बहुत ही आसान है ये डिश बनाने में, डेजर्ट बनाने बहुत आपको लगता है ये कप। और ये मैंने ये चाय के कप जो मिलते हैं बाजार में वो कप लिया है, उसका मैं चॉकलेट फिल करके उसका कप बनाऊंगी। ये पेपर के है, प्लास्टिक वाला मत यूज करना क्योंकि उससे हमारी चॉकलेट हॉट होगी तो पिघल जाएगा प्लास्टिक। ये पेपर ही लेना, ये तो कोई थर्मोकोल का है तो भी अच्छा रहेगा। और अगर आपके पास पेपर मोल्ड भी नहीं है और आपके पास सिलिकॉन मोल्ड है तो वो भी आप यूज कर सकते हो। सिलिकॉन मोल्ड भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और आप कोई भी शेप में बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इस कप के साइज में ही बनाओगे, आप किसी भी, अगर राउंड में बनाना है कि कोई ऐसे ही फ्लैट बाउल में बनाना है तो भी आप बना सकते हो। तो मैं पहले आपको ये हमारी जो अमूल की चॉकलेट ली है वो मैंने अप्रोक्स 40 to 50 ग्राम ली है। इससे 2-3 आराम से 3 कप्स बन जाते हैं हमारे। तो ये मैं माइक्रोवेव करूंगी, मतलब उसको गर्म करने के लिए मैं ओवन में रखूंगी। आपको अगर आपके पास माइक्रोवेव में आपको नहीं करना है और नहीं कभी कभी अवेलेबल नहीं होता है तो आप ये अब गैस पे भी कर सकते हो। उसके लिए आपको पानी, एक पैन पे पानी गर्म करना है और उसको उबलते उसका डबल दूसरे बाउल से आपको गर्म करना है ऊपर रख के उसे। और उसका डबल बॉइलिंग मेथड भी आप कर सकते हो। हेलो किशन जी, हेलो सुनैना जी, हेलो नित्य शाह, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आपको? तो चालू कर देती हूँ मैं इसको। मैं 30 to 40 मिनट्स में आराम से मेल्ट हो जाता है, सेकंड्स में, सॉरी, 30 to 40 सेकंड्स में आराम से हो जाता है। पर मैं 10-10 मिनट्स करके ये मेल्ट करूंगी। सॉरी, 10 सेकंड्स के मिनट की आदत है तो और ये मैंने बाउल भी माइक्रोवेव शेफ लिया है, वो ग्लास बाउल है। अब 10 मिनट्स के लिए मैं पहले कर देती हूँ, सेकंड्स के लिए। अभी मैं उसको थोड़ा सा स्पून से ऐसे कर लूंगी, फिर 10 सेकंड्स के लिए और करूंगी। इससे क्या कि नीचे बैठेगा भी नहीं और जलेगा भी नहीं। हेलो किरण जी, अब मेल्ट होना चालू हो गई है। फिर थोड़ी ज़्यादा है, ये 30 to 40 ग्राम है, तो थोड़ा टाइम रहेगा, पर हम 10 सेकंड्स के लिए ही कर रहे हैं, ये अच्छी हो जाएगी। हेलो यशोदा जी, अच्छे से हमको उसको ये कर देना है। आप देख सकते हो थोड़ी बहुत मेल्ट होना चालू हो गई है। मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ी करनी पड़ेगी। आप अपने हिसाब से, अब इसमें सबका माइक्रोवेव अलग अलग रहता है, तो आप अपने जो सेटिंग के हिसाब से करते हो उसमें करना, पर ध्यान रखना कि ये जले नहीं। मुझे थोड़ा और भी करना है। ये अच्छे से हमारी मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हो। ये ठंड के हिसाब से थोड़ा ऐसा रहता है, जल्दी तो मैं फटाफट ये चीज़ कर दूंगी। इसके लिए मैंने जो थर्मोकोल के कप्स लिए हैं, इसमें मैं एक आपको दिखाती हूँ। मैंने पहले बना के रख दिए थे, क्योंकि टाइम उसको एटलीस्ट थोड़े टाइम पे फ्रीज में रखना है। इसे कट करना है सीजर से, ऐसे हमारा कट हो गया। फिर हम डालेंगे उसमें से ये चॉकलेट्स। ठंड के हिसाब से थोड़ा ये सॉलिड जल्दी हो जाता है, तो आप मुझे ये प्रोसेस थोड़ी जल्दी करनी है और ऐसे ऐसे करना है पूरा ये कप को। और थोड़ा ज़्यादा भरो तो वो इजीली स्प्रेड हो जाता है, नहीं तो थोड़ा टाइम लगता है। आप देख सकते हो अच्छे से हो रही है। अगर लगे कि आपका बराबर गर्म नहीं हुआ है चॉकलेट, तो आप वैसे भी दूसरी बार भी कर सकते हो, पर देखना कि जले नहीं। अब ऐसे ऐसे करके हमको पूरा उसका जो एक्स्ट्रा वाट है, एक्स्ट्रा चॉकलेट से उससे हम ऐसे करके बाकी की चॉकलेट्स निकाल देंगे। एक बात का ध्यान रखना है, हमको इसमें फिंगर या स्पून का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो हमारा कप फट जाएगा। जैसे हम पेपर हटाएंगे वो तुरंत ही क्रैक हो जाएगा। तो इसको ऐसे ही करके हमको बनाना है। कभी ये फिंगर और स्पून का यूज़ मत करें। आप देख सकते हो हमारी हो गई है। आप पूरा देख सकते हो मैंने ये कैसा कोटेड किया है। हम उसको ऊपर से थोड़ा सा ऐसा करके कर देंगे, तो हमको निकालने में भी आसानी। ये मैं इसको 10 मिनट्स के लिए, मिनिमम 10 मिनट्स के लिए मैं फ्रीज़र में कर दे। अगर नीचे नॉर्मल टेम्परेचर में भी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो, पर मुझे आपको दिखाना है बाद में, इसलिए मैं यहाँ पे फ्रीज कर रही हूँ उसको। और जो मैंने पहले बना के रख दिए थे थोड़े टाइम पहले, आधा घंटे पहले, ये इसको मैं आप दिखाती हूँ। अब इसका काम हो गई। ये मैंने कैमल मिल्क से बनाया है। ये 2 चॉकलेट्स है, कप है। मैंने कैमल मिल्क से मॉर्निंग में बनाए थे, उसमें ज़रा भी टाइम नहीं लगता है। आपको उसका ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मिनिमम आपको 10 मिनट्स तो फ्रीज रखना ही है। आप जल्दबाजी मत कीजिए, अदरवाइज क्रैक हो जाएगा। और ये जो वाइट कंपाउंड मिलते हैं ना बाज़ार में, अमूल में भी आते हैं, उसका मैंने ये वाइट बनाया है। वो थोड़ा बनाने में बिट डिफिकल्ट इसलिए है कि उसमें मिल्क पाउडर का स्लैब में ज़्यादा यूज़ होता है, मोल्ड में। तो ये क्या होए कि आप जब गर्म करते हो तो जितनी ये चॉकलेट्स डार्क चॉकलेट्स ये जैसी गर्म होगी उतना ये लिक्विड उसका इतना नहीं होगा, तो आपको फास्ट करना है। तो ये तीनों कप मैंने इससे बनाए हैं, ये मैंने कैमल मिल्क से बनाया है। कैमल मिल्क से उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है और ये नॉट मोर बिटर और नॉट बट स्वीटर ऐसा है, तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, आप जरूर ट्राई करना। आप अमूल ने तो हमको इजीली अमूल पार्लर ये सब जगह पे अवेलेबल कर दिया है ये चॉकलेट सब। कैमल मिल्क बहुत ही अच्छा है उसका टेस्ट। और ये मैंने डार्क चॉकलेट से बनाया है, ये लास्ट में मैं दिखाऊंगी। अब मैंने ये फ्रीज रख दिया है, अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस कर रही हूँ। उसके लिए मैं एक जार में, नॉर्मल कोई भी जार ले सकते हो, आपके पास मिक्सर ग्राइंडर है कोई भी है ग्राइंडिंग वाला वो यूज़ करते हो। ये मैंने 3/4 कप ऑफ स्ट्रॉबेरी को कट कर लिया था वो लिया है। उसमें से मैं थोड़ी शक्कर ऐड करूंगी, वो थोड़ी ही करना है अपने हिसाब से, आपको ज़्यादा स्वीट चाहिए तो। और मैं थोड़ा सा डालूंगी इसमें, ये मिठाई मेट है वो डालूंगी थोड़ा, 1 चम्मच जितना डाल रही हूँ। ये मीठा मिर्च डाला मैंने। अब मैं थोड़ा सा इसमें स्प्रेड चीज आता है जो अमूल का वो डाल रही हूँ, मैं। अप्रोक्स 1 टेबलस्पून। ये डालना। अब मैं डाल रही हूँ इसमें, ये जो अमूल का फ्रेश क्रीम है उसको ऐसे सेक करके ही डालूंगी, वो लेना है हमको 1/4 कप जितना। तो ये हमारा हो गया। आपको अगर थोड़ा सेमी सॉलिड ऐसे रखना है तो रख सकते हो, पर ठीक रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अब मैं ये सारी चीजों को ब्लेंड कर दूंगी। इसकी ब्लेड मैंने निकाल ली है, ये नॉर्मली मैं ब्लेंडर जार में ही कर रही हूँ क्योंकि वो उससे भी आसान हो जाएगा। इसका हमको पूरा पल्प बना देना है, लगे तो थोड़ा अपना क्रीम डाल सकते हो आप अपने हिसाब से। एनी क्वेश्चन? ईशा जी से हाय। हेलो ईशा जी। आप देख सकते हो ये हमारी प्यूरी बन गई है स्ट्रॉबेरी की। अब मैं ये बाउल में निकाल देती हूँ। आपको थोड़ा और क्रीमी करना है तो स्प्रेड चीज आप ज्यादा यूज कर सकते हो, क्रीम भी ज्यादा यूज करती हो। मेरे सन को स्ट्रॉबेरी ज्यादा पसंद है तो मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। हेलो स्वाति जी। एनी क्वेश्चन? अरे अब ये हमारी प्यूरी बनके रेडी हो गई है। शीतल जी से हाय। हेलो शीतल। ये मैंने थोड़ा पिस्ताचियो इसीलिए लिया है कि वो बाद में हम गार्निशिंग में वो यूज करेंगे। ये हमारे जो कप है वो फ्रिज में रखा था इसलिए वो बाहर थोड़ा पानी हो गया है, तो इसको मैं ऐसे कर दूंगी। बहुत ज्यादा नहीं करना है तो मेल्ट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा है और हेल्दी भी है, अगर आप चाहे तो उसमें अलग फ्रूट से भी ट्राई कर सकते हो। आपको और ठीक रखना है तो भी आप रख सकते हो। प्रीति जी से हेलो। निराली जी से हाय। हाय प्रीति जी। हाय निराली जी। Rashmiji says hello. Hello, Rashmiji. अब ये मैं इसमें ये स्ट्रॉबेरी ली है, थोड़ा सा मैं पिस्ताचियो है वो थोड़ा डालूंगी। साइड में ऐसे गार्निश करना है। अगर आपको कोई भी ड्राई फ्रूट पसंद है उस अपने हिसाब से डाल सकते हो। ये काम थोड़ा आपको स्पीड में करना है, नहीं तो आपका ये है फट जाएगा, कप है वो मेल्ट हो जाएगा। ये स्ट्रॉबेरी है और स्लाइस ली है, उसको मैं बीच में से ऐसा कट कर दूंगी गार्निशिंग के लिए। थोड़ा उसका गार्निशिंग कर देंगे हम प्लेट का। ये फटाफट बन जाने वाले में से है, इसका आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर आपके कप रेडी है, आप थोड़े ही टाइम में, बच्चों की बर्थडे पार्टी है कि आपके घर के कोई बच्चे आ रहे हैं, बड़े आ रहे हैं, तो भी आप ऐसे कर सकते हो। कप्स बनाने में भी बहुत इजी काम है, फटाफट बन जाते हैं। ईशा जी से आस्किंग हाउ टू मेक दिस चॉकलेट कप। आई डेफिनेटली मैम रिपीट इट। ये मैंने पहले, ये चॉकलेट थी हमारी डार्क चॉकलेट अमूल की, वो मैंने 30 to 40 ग्राम्स लिए हैं। इससे हम 3 to 4 कप्स बना सकते हैं। उसको मैंने 10-10 सेकंड्स करके माइक्रोवेव में 3-4 टाइम मैंने मेल्ट किया है। और उसमें ये जो चाय का कप है हमारा नॉर्मली जो बाजार में मिलता है, अगर आपके पास सिलिकॉन के भी मोल्ड है तो भी आप यूज कर सकते हो। उसमें मैंने ये कप में थोड़ा सा ऐसे कट कर दिया था, ऐसे कट कर दिया था। और ये चॉकलेट जैसे आप मेल्ट हो गई, थोड़ी ठीक हो गई है, पर ये मैंने मेल्ट की, मैं अब दिखाती हूँ आपको। ये बना हुआ अभी मैंने बनाया था, तो इसको मैं ऐसे पोर कर देंगे हम ये चॉकलेट्स को। फिर ऐसे ऐसे रोट, उसको फिंगर और स्पून से नहीं करना है, और ऐसे करके चॉकलेट्स अंदर डाल के फिर ऐसे ऐसे करके उसका एक्स्ट्रा चॉकलेट्स है वो ऐसे ही निकल जाएगी, ऐसे ऐसे करेंगे तो। और ये कप को हमें फ्रीज में रख दिया है। आपको मिनिमम वो 10 मिनट्स रखना है, और मैक्सिमम आपके पास है तो 15-20 मिनट भी आप रख सकते हो। इससे क्या होगा कि इससे ये कप अच्छे से अंदर बिल्ट हो जाएंगे। और ये हमारा प्लेट रेडी हो गई है। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो वो कप है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ, शायद अब बन गया हो। ये बन गया है। इसे जी आप देखिए ऐसे हो जाते हैं। मैंने अभी बनाया था स्टार्टिंग में ही, ऐसे पूरा ऐसे कवर हो जाता है। और आपको थोड़ा अच्छे से कवर करना है, फिंगर तो यूज करना ही नहीं और स्पून भी नहीं करना है। फिर ये कट है जो मैंने कट जो यहाँ से लिया था, उससे मैं धीरे धीरे, आप देख सकते हो, ये मैंने कप को इजीली निकल जाता है। और इजी, बहुत ही इजी है। देख सकते हो आप, ये मेरा कप। ये बनाने में बहुत ही आसान है, हमको लगता है नहीं बनेगा पर ये जल्दी से बन जाता है। और आप देख सकते हो ये मेरा कप बनके रेडी हो गया है। ये हमारी चॉकलेट स्ट्रॉबेरी कप बनके रेडी है। हेलो शिखा मैम। हमारा स्ट्रॉबेरी चॉकलेट कप रेडी है। आप कोई भी फ्रूट के साथ आप बना सकते हो, बहुत बनाने में बहुत ही इजी है और हेल्दी भी है। थैंक यू अमूल, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आप कोई भी फ्रूट्स के साथ और क्रीम के साथ भी कर सकते हो। अगर आपको मिठाई में नहीं यूज करना है तो आप उसकी जगह आप थोड़ा सा क्रीम डाल के भी कर सकते हो, पर क्रीम नेसेसरी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एवरीवन।